वापस नहीं होगा CAA। आलोचना करने वालों को अमित शाह ने दे दिया जवाब। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन देश के लिए उठाया गया ये कदम अब नहीं लिया जाएगा पीछे। विपक्ष की तुष्टीकरण वाली राजनीति पर अमित शाह ने पूरे विपक्ष को घेर लिया। कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता इनकार, चाहे ममता हो या फिर स्टालिन। जो कानून की किसी नागरिकता को छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है, उससे विपक्ष को क्यों हो रही है दिक्कत? पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अधिसूचना जारी करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने समाचार एजेंसी पत्रकार स्मिता प्रकाश को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर CAA सरकार वापस नहीं लेगी। ये बिल्कुल देश की संप्रभुता का मामला है। दरअसल स्मिता प्रकाश के शो में अमित शाह से सवाल किया गया कि क्या जिस तरह से कृषि कानून वापस लिए गए थे उसी प्रकार अगर लोग विरोध करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस पर बात उठे तो क्या ये संभावना है कि ये कानून वापस लिया जाएगा। इस पर अमित शाह ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि CAA का कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का विषय है और इसके साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अमित शाह ने कानून लागू करने के समय को लेकर कहा कि आज विपक्षी पार्टियां जिसमें ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल सब शामिल होकर झूठ की राजनीति कर रहे हैं, वो बोले हैं कि ये कानून कब लागू हुआ इसका सवाल ही नहीं है। भाजपा ने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि वो पड़ोसी देश के शरणार्थियों को नागरिकता देंगे। 2019 में इसी संसद से पारित किया गया, फिर ये कोरोना के कारण लेट हुआ। अब विपक्ष चूंकि तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहता है इसलिए ऐसा कह रहा है। उन्होंने विपक्ष के उन नेताओं CM ममता बनर्जी, CM स्टालिन, CM पिनराई विजयन को सुनाते हुए कहा कि इस कानून को लागू करने से कोई राज्य या उसके मुख्यमंत्री नहीं मना कर सकते। कानून बनाने का काम संसद का है, ये केंद्र का विषय है, राज्य का इससे बनाने में या लागू करने में कोई रोल नहीं होता। अमित शाह ने कहा कि पिछले 4 साल में 41 बार कहा जा चुका है कि चुनाव से पहले CAA पूरे देश में लागू होगा। विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है, उनका इतिहास है कि वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी की हिस्ट्री है कि जो PM मोदी ने कहा है वो पत्थर की लकीर है, मोदी की हर गारंटी पूरी हो रही है। विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से हमारा कोई राजनीतिक फायदा है, तो क्या हमें आतंक के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? इन्होंने कहा कि इस आर्टिकल 370 खत्म करने से फायदा मिलेगा, हम तो 1950 से कह रहे थे कि हम इसे हटाएंगे। उन्होंने समझाया कि इस कानून से अल्पसंख्यक को डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि CAA में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी की नागरिकता को वो छीने। इसमें सिर्फ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई और फारसी को नागरिकता देने की बात कही गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, JT न्यूज़।